हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉडी स्पा क्यों करना चाहिए, साथ ही जानने वाले हैं अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ बॉडी स्पा टू गेट ब्राइट ग्लोइंग एंड सनटैन फ्री स्किन। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में धूप में या फिर धूल मिट्टी या फिर पोल्यूशन की वजह से हमारे शरीर में थकावट और साथ ही बॉडी में दर्द यानी कि पेन सा होने लगता है। धूप की अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से डिहाइड्रेशन, पिगमेंटेशन और साथ ही फ्रेंड रैशेज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और इन्हीं से निजात पाने के लिए समर स्पा बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, हेल्थ और साथ ही ब्यूटी के लिए इन दिनों स्पा बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ में है। अब मैं आपको बताऊँगी स्पा क्या है। फ्रेंड्स, स्पा लैटिन लैंग्वेज से आया है, इसका मतलब है कि मिनरल से भरपूर पानी में स्नान। जी हाँ, स्पा में शरीर को रिलैक्स देने के लिए मसाज किए जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, स्पा थेरेपी यूरोपीय देशों से शुरू हुई है और साथ ही धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुकी है। स्पा में बॉडी मसाज, बॉडी रैप, सोना बाथ और साथ ही स्टीम बाथ शामिल है। अगर आप रिलैक्स होने के लिए स्पा लेना चाहती हैं तो आप इसका चुनाव कर सकती हैं। जी हाँ, इसमें आपकी सेहत और साथ ही साथ फ्रेंड खूबसूरती को बेहतर करने और साथ ही रिलैक्सेशन के लिए दी जाने वाली थेरेपी शामिल होती है। अगर आप इसे किसी बीमारी के इलाज के तौर पर करवाना चाहती हैं तो ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर करवाइए। और फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं जैसे कि नींद आना, मोटापा, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना, डिप्रेशन, मुहासे आदि का इलाज स्पा थेरेपी से किया जाता है। इसमें कई तरह के मसाज, बाथ, योगा और साथ ही मेडिटेशन के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। स्पा में तमाम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल ही किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें मसाज के जरिए मसल्स पर एक खास तरह का प्रेशर डाला जाता है जिससे कि तनाव और साथ ही थकान दूर होती हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा फिजिकल और साथ ही मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं स्पा। जी हाँ, स्पा सेंटर, हेल्थ क्लिनिक्स और साथ ही ब्यूटी पार्लर द्वारा भी स्पा बाथ दिया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, आजकल होटल्स में भी स्पा बाथ बहुत ही तेजी से फैल रही हैं। जी हाँ, वैसे फ्रेंड्स, स्पा में त्वचा के प्रकार यानी कि आपके स्किन टाइप का पता लगाकर उसके बाद उपचार की स्पा प्रोसेस शुरू की जाती है जो कि कई चरणों तक चलती है। स्पा में सबसे पहले सिर पर तेल को डालकर स्टार्ट करते हैं, फिर इसे पूरे बॉडी को क्लीन किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड विभिन्न प्रकार के फूलों, वनस्पतियों से तैयार किए हुए पैक लगाकर मसाज की जाती हैं। उसके बाद स्पा के जरिए बॉडी पर मसाज की जाती हैं। मसाज के बाद कुछ मिनटों के लिए प्राकृतिक औषधि से बनी स्टीम बाथ टब में बैठाया जाता है। स्पा थेरेपी की पूरी प्रोसेस में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्पा ट्रीटमेंट के दौरान हर्बल चाय दी जाती हैं जिससे कि शरीर के विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा फ्रेंड बॉडी स्पा बाथ प्रोसेस में जड़ी बूटी युक्त तेल द्वारा मसाज, एरोमाथेरेपी, स्किन एंड साथ ही हेयर ट्रीटमेंट, बॉडी स्क्रब, स्विमिंग मसाज, सोना बाथ, शवर बाथ, ब्यूटी बाथ, चिल्ड बाथ, स्लिमिंग मड रैप आदि शामिल होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपने जान लिया है बॉडी स्पा किस तरह से किया जाता है। अब जानिए आप किस उम्र से करवा सकते हैं बॉडी स्पा। जी हाँ, आमतौर पर 12 साल की उम्र से पहले स्पा कराने की सलाह नहीं दी जाती है। जी हाँ, दरअसल फ्रेंड्स, इस उम्र में बच्चे का शरीर काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, तेल मालिश आदि से उसे नुकसान हो सकता है। 12 से 18 साल के बीच कुछ ही तरह की थेरेपीज दी जाती हैं जैसे कि मसाज, शिरोधरा, सोनाबाद आदि, लेकिन 18 साल या फिर इससे ज़्यादा की उम्र में कोई भी स्पा थेरेपी करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं बॉडी स्पा के फ़ायदे। जी हाँ, बॉडी स्पा यानी कि मसाज कराने से बहुत फ़ायदे हैं। इससे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही टेंशन भी कम होती हैं। स्पा कराने से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। साथ ही फ्रेंड, इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है यानी कि स्ट्रांग हो जाता है, और साथ ही रक्त के ब्लड सेल्स भी बढ़ते हैं। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो भी स्पा करने से सही होने लगता है। इसीलिए अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है जो कि बहुत दिनों से कम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप बॉडी स्पा ज़रूर करवाइए, इससे आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन धूप में निकलने की वजह से झुलस गई हो तो स्पा ट्रीटमेंट कराने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा,
यानी कि फ्रेंड इस तरह से स्पॉट ट्रीटमेंट के जरिए चेहरे की खोई हुई रंगत व चमक को वापस पाया जा सकता है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको मिलेगी ब्राइट ग्लोइंग और साथ ही सनटैन फ्री स्किन। इसीलिए आप बॉडी स्पा जरूर करवाएं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका दिमाग भी शांत रहेगा। जी हाँ, स्पा कराने से आपके स्किन की डीप क्लेंजिंग भी हो जाती है और रक्त का संचार यानी कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी सही तरीके से हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड शरीर में कसावट लाकर ये बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा कर देता है, साथ ही हमारे जोड़ों में लचीलापन भी लाता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा के लिए यंग बने रहे तो ऐसे में आपको बॉडी स्पा जरूर करवाना चाहिए। ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है जिससे कि आपको मिलता है एक हेल्दी बॉडी और साथ ही हेल्दी स्किन। वैसे फ्रेंड्स स्पा ट्रीटमेंट के दाम 500 रुपीज से शुरू होकर 10,000 रुपीज तक उपलब्ध है। आप अपने बजट के हिसाब से स्पा करवा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड इस थेरेपी के जरिए स्पाइनल डिसऑर्डर, डायबिटीज, कमर का दर्द, मूत्र संबंधी रोग, अस्थमा और साथ ही फ्रेंड्स एथरिटीज के रोगों का इलाज भी संभव है। इसीलिए अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है यानी कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और साथ ही स्पा ट्रीटमेंट को शुरू करवा दीजिए। इस तरह से पूरा थेरेपी करवाने से आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाओगी। वैसे फ्रेंड्स हम सभी ये सोचते हैं कि स्पा लग्जरी लाइफ वाले लोग ही करते होंगे, मगर फ्रेंड्स ये गलत है क्योंकि फ्रेंड्स ये भी एक तरह का बॉडी ट्रीटमेंट ही है, जिससे कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों का प्रयोग करके आपके शरीर की बीमारियों को सही किया जाता है और बॉडी के तापमान को भी कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझे, बल्कि आप बेझिझक किसी भी टाइम पे स्पा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी किसे नहीं करवाना चाहिए बॉडी स्पा। बुखार, इन्फेक्शन और सती चोट में ना करवाएं। सर्जरी के बाद भी 6 महीने तक परहेज करना चाहिए। हाई बीपी के मरीज, स्टीम या फिर सोनाबाद बिल्कुल भी ना करवाएं। इसके अलावा फ्रेंड पैरालिसिस या फिर कैंसर जैसी बीमारियों में भी ट्रीटमेंट के तौर पर स्पा नहीं करवाना चाहिए। हाँ, रिलैक्स करने के लिए कोई थेरेपी करा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड प्रेगनेंसी में स्पा थेरेपी नहीं करानी चाहिए। 3 से 6 महीने की प्रेगनेंसी में फुट थेरेपी आदि करवा सकते हैं, लेकिन इसके पहले या फिर बाद में वो भी नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 महीने तक और साथ ही सीजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महीने तक इसे ना करवाएं, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कितने बार करवाना चाहिए आपको बॉडी स्पा। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड 15 दिन में एक बार करवाएं। बाकी आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसी सलाह दें उसे फॉलो कीजिए। अपने मन से कोई भी डिसीजन ना लें। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि ये आदत बेशक बन जाए लेकिन लत नहीं। सो फ्रेंड्स ये थे अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ बॉडी स्पा टू गेट ब्राइट ग्लोइंग एंड साथ ही सनटैन फ्री स्किन इन जस्ट 5 डेज। इसीलिए फ्रेंड्स आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ऐसे में आपको बॉडी स्पा जरूर करवाना चाहिए। जी हाँ, और जब कभी भी आप बॉडी स्पा करवा रहे हैं उसके बाद आपके बॉडी में किस तरह के चेंजेस आए हैं आप हमारे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।